तो अब हम पैराबोला की जो इक्वेशन है उनके डेरिवेशन देखेंगे। राइट हैंडेड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन मैंने उस दिन क्या बताई थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आई कैसी वो समझते कैसे आई बेटा, सीधी सी बात है, फोकस है a कॉमा 0, ये कोई पॉइंट है x कॉमा y, और ये क्या है l डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि ये माइनस ए कॉमा जीरो को कट करती हुई निकल रही है। अगर ये ए कॉमा जीरो है तो उतना ही पीछे बनती है। ये सारी चीज क्लियर है बेटा। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस ए कॉमा वाई। कैसे समझिए, एक्स एक्सिस पर है कितना मूव कर रही है, माइनस ए। बेटा यहां से लेके ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस तक है, वाई तक ही तो लिया है। ये P का कोऑर्डिनेट कितना लिया है, y, तो बेटा जितना लिया उतना ही तो ये होगा y पर। कितना होगा इसका भी y कोऑर्डिनेट। इतना बात सबको समझ में आ गई। उस दिन मैंने आपको पैराबोला की क्या डेफिनेशन दी थी कि पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से दोनों से कैसी डिस्टेंस पे होती है, इक्वल डिस्टेंस पे। यही लिया था तो बेटा यही से चालू होगा, यानी कि PF is equals to PM। ये जो PF डिस्टेंस है वो PM के बराबर होगी। डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगना चाहिए। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूं, पहले स्क्वायरिंग क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट आता है, अंडर रूट x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो स्क्वायरिंग से अंडर रूट पहले हट गया। हां बेटा नितिन, x2 minus x1 माइनस ए का वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बेटा ओपन कर दो इसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, वाई माइनस जीरो वाई का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और बेटा 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, चलो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2x बेटा ये y स्क्वायर तो यहीं बचेगा, 2x हो जाके प्लस हो गया 4ax। ये खत्म, डेरिवेशन हो गया, समझ आया। तो राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है, कोई परेशानी तो नहीं, नोट कर लीजिए। अच्छा ऐसे ही हम सारे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपर हैंडेड पैराबोला, एक आध और देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, ये अपर हैंडेड पैराबोला है जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू माइनस ए होगी क्योंकि वाई को कट करके निकल रहा है, ये ओरिजिन अपना, ये पी, ये वही फोकस है, जीरो कॉमा ए रहेगा क्योंकि इसकी एक्सिस जो सिमेट्री है वो किस पे पहुंच गई है, y एक्सिस पे। बेटा ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है, इसमें तो x एक्सिस नेगेटिव है तो माइनस x, y कोई भी डिस्टेंस ले लिया यहां से यहां तक बच्चों, तो ये वाला पॉइंट कितना है m माइनस x क्योंकि नेगेटिव पे, और ये जब a है तो यहां तक कितना होगा माइनस a। यहां तक सब समझ में आ गया, वही कांसेप्ट लगाएंगे कि pf का स्क्वायर ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, pm के, ये डेफिनेशन होती है ना, स्क्वायर कर दिया बेटा pf का, x2 minus x1 माइनस एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन, वाई माइनस ए, हाँ बेटा एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का एक्स, वाई टू माइनस वाई वन वाई प्लस जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया नहीं आया सर, ये तो कट गया जीरो हो गया अंदर, ये आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। हाँ बेटा ये कितना, बेटा x स्क्वायर इधर जाके 4, ये लिखाई थी इक्वेशन है ना अपर हैंडेड में, x स्क्वायर इक्वल टू 4a। लीजिए आप, है सिंपल, अपने आप भी आप दो पार्ट कर सकते हो जाएंगे अब तो, बस ऐसे करके आप पैराबोला के किसी भी पार्ट की, किसी भी राइट हैंडेड अपर हैंडेड कोई सा भी हो, आप उनका क्या कर सकते हो, डेरिवेशन। चलिए खत्म हो गया, कर दीजिए।